नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो महिलाओं के साथ घटित सामूहिक बलात्कार के मामले में घटना की गवाह पर आरोपियों द्वारा राजीनामा करने के लिए दबाव डालने तथा मना करने पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर पीड़िताओं ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। महिलाओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि गांव में ही रहने वाले चार लोगों ने दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी इस समय हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पर बाहर है। प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि आरोपियों द्वारा घटना की गवाह को बयान बदलने के लिए तथा राजीनामा करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। जब उसने मना किया तो उसके खिलाफ मुख्य आरोपी की पत्नी द्वारा फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। प्रार्थना पत्र में संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई गई है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। घटना घटी कि हम शादी में गए थे फपुआ सास की सुकमा ठकुमा बंदा पे, तो उसने अपने मामा को बुला लिया था और दो साथी को बुला लिया था। चार लोग आते उनने हमारे साथ बलात्कार किया, फिर वो जेल चले गए बलात्कार करके। फिर अब वो जेल से आ गए तो वो राजीनामा का दबाव डाल रहा है, कह रहा राजीनामा करो ना तो मैं जान से मार देंगी। 19 तारीख में जा रहे थे हम बाजार अपने आदमी के साथ, तो उसने कट्टा बंद करा दी थी। वो किशन लाल हमारे गवाह हैं, तो किशन लाल को दोबारा डाल रहा है कि तुम इनसे राजीनामा कराओ। किशन लाल ने बोला कि मैं नहीं करा सकता हूँ राजीनामा, तो कह रहा हूँ मैं अपनी जनी के साथ इसको गलत काम पे लिखवा रहा, तो मुकदमा लिखवा रहा किशन लाल के नाम। तो साहब ने कहा है आपसे? हैं, साहब ने ये कहा कि तुम आप जाइए, बमीना कुछ नहीं होगा, साहब कह रहे हैं। अच्छा, तो